गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी एनवायरमेंटल बायोलॉजी की क्लास के अंदर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एस्चुराइड इकोसिस्टम। ओके, एस्चुराइड इकोसिस्टम क्या है बच्चों? दैट इज एन एस्चुरी इज एन एरिया वेयर अ फ्रेश वाटर रिवर और स्ट्रीम मीट्स द ओशियन। ओके, एस्चुरी जो है वह स्थान होते हैं जहाँ पर रिवर्स और स्ट्रीम्स जो है किससे मिलते हैं, समुद्र में आके या ओशियंस के अंदर आके मिलते हैं। ओके, ये हम कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारा जो समुद्री और जो हमारी नदियां है या हमके स्वच्छ जलीय आवास है, उन दोनों के बीच की एक संक्रमणकारी अवस्था है, ट्रांजिशनल जोन है। ओके, जब वेन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर कंबाइन, जब फ्रेश वाटर और सी वाटर कंबाइन होते हैं तो ऐसी कंडीशंस के अंदर वाटर कैसा हो जाता है बच्चों? इस प्रकार का वाटर जो होता है वो ब्रैकिश वाटर बन जाता है, या आप कहें कि स्लाइटली साल्टी वाटर हो जाता है। स्लाइटली साल्टी का मतलब क्या है? ब्रैकिश वाटर इस प्रकार का वाटर जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो फ्रेश वाटर हैबिटेट की तुलना में ज्यादा और मराइन वाटर हैबिटेट की तुलना में कम होती है। ओके, एस्चुरीज की बात करें तो एस्चुरीज एक प्रकार के पार्शियली एनक्लोज कोस्टल एरियाज है ब्रैकिश वाटर के, जहाँ पे सैलिनिटी वेरीज करती है बिटवीन 0 to 35 ppt। ओके, 35 ppt जो है सैलिनिटी इन ब्रैकिश वाटर एरियाज जो हमारे एस्चुरीज है इसके अंदर पाई जाती है, विद वन और मोर रिवर्स और स्ट्रीम्स flowing into it and with the free connections to the open sea। okay, जहाँ पे हमारे जो rivers और more than one streams जो है इस area के अंदर अपने जल को प्रवाहित करके उस जल को open sea जो spaces है वहाँ पे आके मिलाती है। देखिए, जब ये नदियाँ समुद्र में आकर मिलती है तो ये नदियाँ क्या करती हैं? अपने साथ के अंदर फर्टाइसिस एंड रन ऑफ जो है, जिसको हम कहते हैं कि गाद और तलछट जो नदियों के अंदर उपस्थित होता है, जल प्रवाह के साथ ये नदियाँ इस फर्टाइसिस और रन ऑफ को कहाँ लेकर आती है? अपने मुहाने तक लेकर आती है, जिसकी वजह से ये सिल्ट एंड रन ऑफ लैंड से कहाँ मिल जाते हैं? जो हमारा साल्टी सी वाटर है उसके अंदर आके मिक्स हो जाते हैं। ओके, देखिए इश्चुरीज, जैसे हमने कहा कि इश्चुरीज क्या है, वह स्थान है जहाँ पे नदियाँ जिनमें स्वच्छ पानी उपस्थित है वो मराइन जो पानी है उसके साथ आके मिलता है। तो अब ये दोनों जो अलग अलग प्रकार के जो साल्ट कंसंट्रेशन वाला पानी है उसका उसकी मिक्सिंग किस प्रकार से होती है, इस प्रकार की एस्चुरीज के अंदर उसकी मिक्सिंग होती है बच्चों टाइड्स के वजह से। ओके, जो हमारे समुद्र के अंदर उठने वाले जो टाइड्स हैं जिन्हें हम ज्वार भाटा कहते हैं, वो इस स्वच्छ जलीय और जो हमारा लवण जलीय जो वाटर है उसको मिक्स करते हैं। देखिए, जब हाई टाइड होता है, आपको पता है ना टाइड जो होते हैं वो हाई टाइड, जिसको हम क्या कहते हैं ज्वार, जहाँ पे लहरें बहुत जो है वो जो हमारा जल स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हाई टाइड के दौरान, और इसी प्रकार लो टाइड होता है जब जल स्तर बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर बच्चों क्या होता है, जब उच्च ज्वार के समय क्या होता है हाई टाइड के दौरान, समुद्र का पानी जो होता है वो एस्चुरीज के अंदर प्रवेश करता है। ऐसे टाइम के अंदर जो एस्चुरीज है उनकी सैलिनिटी बढ़ जाती है, और दूसरा कब बढ़ती है, जब हमारा ड्राफ्ट कंडीशन होती है या गर्मी के टाइम पे। ओके, गर्मी के टाइम पे या सूखे के दौरान क्या होगा, जो हमारे रिवर्स जो वाटर फ्लो होकर ओशियंस के अंदर आ रहा है उसकी आवक कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी एस्चुरीज जो है उनकी लवणता बढ़ जाती है। लेकिन यदि हम बात करें निम्न ज्वार की, या जिसको हम क्या कहते हैं लो टाइड की बात करें, तो लो टाइड के समय क्या होता है, लो टाइड और रेनी सीजन के दौरान उस कंडीशंस के अंदर क्या होता है, एस्चुरीज के अंदर जो सैलिनिटी है वो कम हो जाती है। रेनी सीजन के दौरान क्या होगा, रिवर से जो है वो स्वच्छ जल जो हमारा है फ्रेश वाटर वो अधिक मात्रा के अंदर ओपन सी स्पेसेस के अंदर आता है, जो कि उसकी लवणता को कम करता है। ओके, ये तो बात थी हमारी
सैलिनिटी की। अब हम बात करते हैं एस्टुरीज वास्तव में है क्या। देखिए अभी जैसे मैंने बताया एस्टुरीज क्या है, एस्टुरीज क्रिएट करती है एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन है जिसको हम इकोटोन भी कहते हैं। इकोटोन आप लोग सब जानते हो, इकोटोन एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर वह जोन होता है जहाँ पे दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के जो बायोटिक कम्युनिटीज हैं वो एक साथ रहकर सरवाइव करती हैं। ओके, दोनों जो अलग अलग बायोटिक कम्युनिटीज के जंतु जीव जात वहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इसको हम संक्रमणकारी स्टेट जो है वो जोन भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ए ट्रांजिशन जोन जहाँ पे हमें रिवर एनवायरनमेंट और मराइन एनवायरनमेंट दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट के जो बायोटिक कम्युनिटीज हैं वो यहाँ पे पाई जाती है। ओके, अब जो एस्टुरीज हमारी बनी है मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड साल्टी वाटर, ओके, इनकी जो अपर लिमिट होती है बच्चों वो क्या कहलाती है, विच इज नोन एज द हेड, और ये किसकी बनी हुई होती है, दैट इज द फ्रेश वाटर हेड रीजन होता है जहाँ पे नदियां आके मिलती है, और जो लोअर लिमिट है विच इज नोन एज द माउथ ऑफ द एस्टुरी, और ये माउथ किससे बनता है बच्चों, ये माउथ बनता है सलाइन जहाँ पे की सी वाटर पाया जाता है। ओके, इन दोनों फ्रेश वाटर हेड रीजन और सलाइन जो माउथ रीजन है जहाँ पे भी सी वाटर एंटर कर रहा है, सी वाटर जहाँ तक एस्टुरीज पहुंच रही है सी वाटर तक, इन दोनों के बीच के अंदर देयर आर ए वेरियस नंबर ऑफ जोन्स पाए जाती हैं, अलग अलग स्तर पाए जाते हैं, और ये अलग अलग स्तर जो होते हैं इन अलग अलग स्तर के बीच के अंदर जो सैलिनिटी वैल्यूज है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट सैलिनिटी वैल्यूज इनके अंदर पाई जाती हैं, मतलब जो हमारा फ्रेश वाटर हेड रीजन है जो हमारी अपर लिमिट है यहाँ पर सैलिनिटी सबसे कम होती है, और इस प्रकार नीचे बीच के अंदर जो वेरियस जोन्स के तक चलते चलते जो हमारी सैलिनिटी है वो एट द सलाइन माउथ रीजन तक आते आते सैलिनिटी अधिकतम हो जाती है। ओके, और जो प्रत्येक जोन है इस एस्टुरीज की, यहाँ पे प्रत्येक जोन के अंदर जो लाइट पेनिट्रेशन एंड टाइप ऑफ सबस्ट्रेटम है इनकी जो है वो अलग अलग होता है, एंड पेनिट्रेशन पावर जो लाइट की वो भिन्न होती है, एंड चूंकि इनकी पारिस्थितिकी परिस्थितियां अलग अलग होती है इसी प्रकार से यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। ओके, अब एस्टुरीज का निर्माण किस प्रकार से होता है बच्चों, तो देखिए हमारी जो अर्थ सरफेस है उसमें एस्टुरीज आर फॉर्म ड्यू टू राइज इन सी लेवल, समुद्र के स्तर बढ़ने से इनका निर्माण होता है, मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार्स, जो हमारे सैंड और सैंड बार्स का जो मूवमेंट है उसके थ्रू होता है, एंड ग्लेशियर प्रोसेस के थ्रू होता है, एंड टेक्टोनिक प्रोसेस जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो टेक्टोनिक प्रोसेस चलता है उसके थ्रू एस्टुरीज का निर्माण होता है। ओके, इन एस्टुरीज वाटर लेवल एंड सैलिनिटी राइज एंड फॉल विद द टाइड्स, जैसे शुरुआत के अंदर बताया था जल स्तर, देखिए जब किसके जल स्तर और सैलिनिटी में फ्लक्चुएशन या अप एंड डाउन किसके साथ साथ चलता है, टाइड्स के दौरान जो हमारा ज्वार भाटा है उसके साथ साथ सैलिनिटी और वाटर लेवल जो है वो राइज एंड फॉल होता रहता है। ओके, एंड दिस फीचर ऑल्सो राइज एंड फॉल विद द सीजन, दोनों जो है वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं हमारा ज्वार भाटा एंड सीजन, जैसे शुरुआत के अंदर बताया था। देखिए टाइड्स के दौरान ही इनके अंदर मिक्सिंग होती है, यदि लो टाइड होता है, लो टाइड के दौरान क्या होता है बच्चों, जो लहरें बहुत कम चलती हैं उस टाइम पे वाटर करंट्स बहुत धीमे होता है, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर क्या होता है लो टाइड के दौरान जो हमारा फ्रेश वाटर होता है वो मराइन वाटर के साथ जो है वो मिक्स नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि इस कंडीशंस के अंदर क्या होता है हमारा जो फ्रेश वाटर होता है वो हल्का होने के कारण और लहरें कमजोर होने के कारण वो जो हमारा समुद्री जो पानी है उसके ऊपर ही रहता है,
इस वजह से ठीक से मिश्रित नहीं हो पाता, मिक्सिंग नहीं हो पाती। लेकिन जब हाई टाइड होता है तब लहरें बहुत तेज गति से चलती हैं, वाटर लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर जो सॉल्ट वाटर है, सी वाटर, वो तेजी से एस्चुरीज के अंदर प्रवेश करता है, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर और जो है वो मराइन वाटर जो है उसकी मिक्सिंग हो जाती है और फिर ये एस्चुरीज से पानी जो है वो समुद्र तक पहुंचाया जाता है। ओके, ड्यूरिंग द ड्राई, देखिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के अंदर जैसे मैंने बताया रिवर्स और स्ट्रीम से ज्यादा मात्रा के अंदर जल प्रवाह होता है ओशियंस के अंदर, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर एस्चुरीज जो होती है वहां पे फ्रेश वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सैलिनिटी कम होती है। लेकिन यदि हम ड्राई सीजन देखें तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, आउटफ्लो फ्रॉम द रिवर्स जो होता है वो कम हो जाता है, जल प्रवाह कम होने लग जाता है रिवर से, जिसकी वजह से एस्चुरी श्रिंक हो जाती है एंड बिकम्स मच मोर सैलाइन, सैलिनिटी बढ़ जाती है। ओके, चले आगे। एंड ड्यूरिंग स्टॉर्म सीजन, स्टॉर्म सीजन के अंदर स्टॉर्म सर्जेस एंड अदर ओशियनिक वेव्स मे फ्लड द एस्चुरीज विद सॉल्ट वाटर। स्टॉर्म के दौरान क्या होता है, वहां पे सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब हम एग्जांपल्स देखें एस्चुरीज के बच्चों, तो कुछ एग्जांपल्स हैं एस्चुरीज के, फॉर एग्जांपल रिवर माउथ, कोस्टल वेव्स, टाइडल मार्शेस, लैगून्स एंड डेल्टास आर द एग्जांपल्स ऑफ एस्चुरीज। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एस्चुरीज। यहाँ पे जो मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रही हूँ ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, देखिए एस्चुरीज कैन बी डिस्क्राइब बाय हाउ दे वर फॉर्म और बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर सर्कुलेशन। दो प्रकार से हम एस्चुरीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से बनी है या उनके अंदर सर्कुलेशन जो है वॉटर का वो किस प्रकार का है। ओके, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एस्चुरीज इज बेस्ड ऑन जियोलॉजिक फीचर, जो हमारा जियो मॉर्फोलॉजी फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्लासिफिकेशन किया है, और जियो मॉर्फोलॉजी का जियोलॉजिक फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने एस्चुरीज को क्लासिफाई किया है फोर टाइप्स के अंदर। कौन कौन से टाइप्स है बच्चों, द फर्स्ट टाइप दैट इज नोन एज द कोस्टल प्लेन टाइप, सेकेंड दैट इज टेक्टोनिक टाइप, थर्ड बारवेट टाइप एंड फोर्थ दैट इज फ्योर टाइप। ओके, ये हमारा जियो मॉर्फोलॉजिक बेसिस है एस्चुरीज को क्लासिफाई करने का। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं द कोस्टल प्लेन टाइप ऑफ एस्चुरीज। देखिए कोस्टल प्लेन एस्चुरीज क्या है बच्चों, कोस्टल प्लेन एस्चुरीज वर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज एज द आइस मेल्टेड एंड द वाटर वार्म सी लेवल रोज। जैसे आइस जो है मेल्ट होती है एंड वाटर वार्म्ड हो जाता था तो किसका निर्माण हुआ, क्या हुआ, समुद्र का जल उठा, समुद्र का जो लेवल है उस वो जो है वो बढ़ गया। ओके, ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या हुआ बच्चों, द राइजिंग सी इम्बेडेड लो लाइंग कोस्टल रिवर वैली। इस प्रकार की जो एस्चुरीज बनती है बच्चों, वो एस्चुरीज जो होती है वो उथले हुए चौड़े होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, जो ये कोस्टल रिवर वैलीज हैं यहाँ तक इनके इनके जो तट रेखाएं हैं इनके साथ ये एस्चुरीज फैली रहती है। ओके, एंड दीज वैलीज आर यूजुअली शैलो विद जेंटल स्लोपिंग बॉटम जो है वो वैलीज के अंदर पाया जाता है। ओके, एंड देयर डेप्थ इंक्रीज टूवर्ड्स द रिवर्स माउथ, और इनकी जो डेप्थ है वो नदियों के जो मुहाने हैं वहां तक जाते जाते बढ़ती जाती है। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ एस्चुरी इज कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो है पूरे विश्व भर में इस प्रकार की कोस्टल प्लेन एस्चुरीज पाई जाती है। एग्जाम्पल्स जो है हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल इसके अंदर हम जो है नैरेगेट बे ले सकते हैं, चेप्सकेट बे ले सकते हैं, डेलवार बे ले सकते हैं, एंड थेम्स रिवर, एम्स रिवर, सीनी रिवर, सिक्कियांग रिवर एंड मुरे रिवर जो है वो इसके एग्जाम्पल्स है। ओके, दिस इज द टॉप व्यू एंड प्रोफाइल व्यू ऑफ द कोस्ट लाइन रिवर, जिसके अंदर एस्चुरीज जो होती है वो चौड़े और उथले एस्चुरीज बनते हैं, जो कि जो हमारे जो तटीय क्षेत्र है, तटीय जो मैदान है, उनकी जो कोस्टल लाइन्स है उनके साथ साथ ये फैले रहते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं टेक्टोनिक एस्चुरीज के अंदर। देखिए
आपको पता है जो हमारी अर्थ क्रस्ट है इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन, उसके अंदर लगातार मोशंस होते रहते हैं एंड इन मोशन से क्या होता है, दिस मोशन कॉजेस लार्ज क्रैक्स और फॉल्स एंड फोल्ड्स टू फॉर्म इन द क्रस्ट। इन मोशंस की वजह से उस अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या बन जाते हैं, लार्ज क्रैक्स फॉल्स एंड फोल्ड्स के रूप के अंदर इनके अंदर बन जाते हैं। Often due to folding and faulting, the land sinks or subsides. Okay? In folding and faulting से क्या होता है, land sinks हो जाती है या जो है subsides हो जाती है, जिनको हम कह सकते हैं कि जो ये इस प्रकार के उथले प्रकार के basins होते हैं जहां पे low tides के दौरान जो है ये uncovered हो जाती है ये sinks. Okay? ये faults जो है वो low tides के दौरान हमारे uncovered रह जाते हैं। These tectonic estuaries are created when the sea fills in the hole or basins that was formed by the sinking land. Okay? इस प्रकार के जो estuaries हैं, देखिए faults का निर्माण हुआ due to the constantly motion of the earth crust. और इन tectonic estuaries कैसे create होती है, जब sea water fills हो जाता है इन holes के अंदर या basin that are formed by the sinking land, या जो हमारे जो लैंड के अंदर जो सिंकिंग जो गड्ढे बन गए हैं वहां पे जब हमारा सी वाटर फिल हो जाता है तो इस प्रकार की इस प्रकार की एस्टुरीज का निर्माण होता है। एग्जांपल जो है टेक्टोनिक एस्टुरीज का, दैट इज सैन फ्रांसिस्को बे। ओके, अब हम आ जाते हैं बार बिल्ट एस्टुरीज। देखिए बार बिल्ट एस्टुरीज किससे बन रही है, बार बिल्ट एस्टुरीज बन रही है जब सैंड बार्स बिल्ड अप अलोंग द कोस्ट लाइन, जो तटीय रेखाएं हैं उनके साथ साथ सैंड बार्स जो है वो बन जाती हैं। ओके, दीज सैंड बार्स पार्शियली कट ऑफ द वाटर बिहाइंड देम फ्रॉम द सी। देखिए पार्शियली जो सैंड बार्स बन गई है, ये सैंड बार्स क्या करती है, ये सैंड बार्स जो होती है इनके जो पीछे ऊपर से जो वाटर है सी वाटर उससे उसको उसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है ये एरिया। ओके, यहाँ पे जो है पानी अब इस एरिया के अंदर एंटर नहीं कर पाता। ये इस प्रकार के अधिकांश एरिया इस प्रकार के होते हैं जो कि चारों तरफ से टापू से घिरे हुए रहते हैं और इनमें जो है जगह जगह पे इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनके द्वारा इनलेट द्वारा ये डिसकंटिन्यूअस रहते हैं, इनके इनलेट्स के द्वारा डिसकंटिन्यूअस क्षेत्र होते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ एस्टुअरी इज कॉमन अलोंग द टेक्सास एंड फ्लोरिडा गल्फ कोस्ट इन द नीदरलैंड एंड इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एल्बर्टा साउंड एंड पेम्बेको साउंड जिनको हम कहते हैं। ओके, द लार्ज दैट इज नोन एज अ फ्योर्ड, फ्योर्ड आर वैली दैट हैव बीन कट डीपर बाय मूविंग ग्लेशियर्स एंड देन इन्वेडेड बाय द सी। फ्योर्ड्स जो है इस प्रकार की वैलीज होती हैं जो कि मूविंग जो हमारे ग्लेशियर्स थे उन ग्लेशियर्स या हम कहें कि हिमनद जो हमारे थे उनके द्वारा खोदे गए जो गड्ढे हैं उन उनमें जब सी वाटर एंटर हो गया तो इस प्रकार फ्योर्ड जो है एस्टुअरीज का निर्माण होता है। दे हैव अ शैलो बैरियर एट देयर माउथ दैट लिमिट्स वाटर एक्सचेंज बिटवीन द डीपर वाटर ऑफ द फ्योर्ड एंड द सी। इनके जो माउथ होता है फ्योर्ड एस्टुअरीज के, इनके माउथ के पास में एक शैलो बैरियर पाया जाता है, सिल पाया जाता है जो कि डीपर वाटर जो हमारा फ्योर्ड का वाटर और जो सी एरिया है इन दोनों के बीच के अंदर जो वाटर है उसकी मिक्सिंग को लिमिट करता है। ओके, एंड दे आर नैरो विद स्टीप साइड्स एंड यूजुअली स्ट्रेट एंड लॉन्ग। ओके, यदि कर स्ट्रेट एंड लॉन्ग होते हैं एंड फ्योर्ड्स आर फाउंड इन एरियाज दैट हैव बीन कवर्ड बाय ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स के द्वारा कवर रीजन थे वहां पे इस प्रकार के फ्योर्ड एस्टुअरीज का निर्माण हुआ है। एग्जाम्पल्स यदि हम देखें तो अलोंग द कोस्ट ऑफ द चिली न्यूजीलैंड कैनेडा अलास्का ग्रीनलैंड नॉर्वे साइबेरिया स्कॉटलैंड एंड अदर जो कंट्रीज है वहां पे मिलने वाली एस्टुअरीज हमारे फ्योर्ड एस्टुअरीज के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ये आज हमने ऑन द बेसिस ऑफ जियो मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ा है एस्टुअरीज का।